नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बात करने वाला हूं अशोक लेलैंड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस स्टॉक को मैं पर्सनली ट्रैक करता हूं, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो अगर कोई स्टॉक ऑटोमोबाइल सेक्टर में मेरे को कोई अच्छा लगता है तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सेकेंड सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी है और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है। ग्रुप तो क्या बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अशोक लेलैंड की, तो वो भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अगर मैं बात करूं एक दिन के चार्ट की, तो आप देख सकते हो 82.95 पे ओपनिंग होती है, उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ी सी गिरावट है, उसके बाद जो क्लोजिंग होती है वो होती है 81.95 पे। तो आप देख सकते हो लगभग 1.42% का जंप है, 1.15 रुपये अप है। हालांकि आज अगर आप देखोगे ऑटो निफ्टी ऑटो, तो आपको लगभग सारे स्टॉक जो है वो अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और अगर मैं बात करूँगा अशोक लेलैंड की, तो इसमें क्या कमाल की न्यूज़ आई है जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। दो न्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पहली तो मैं आपको बता दूंगा, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक टाइम पे जो है जब मार्केट 10,600 के आसपास गया था, तो ये स्टॉक इतना ज़्यादा पिटा था कि लगभग 56 के आसपास चला गया था। तो काफ़ी लोग जो है वो घबरा जाते हैं कि यार ये 56 पे चला गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। अगर ऐसी कंपनियां जो है वो गिरती हैं तो आपको सस्ते पे मिलती हैं। सपोज करिए अगर आपने 56 पे इसको लिया होता, तो आज आपको कितना ज़्यादा मुनाफा हो चुका होता। तो ऐसी कंपनियों को आपको बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए, बट आई थिंक ऐसी कंपनियों में आपका निवेश ज़रूर होना चाहिए। एक प्रॉब्लम की वजह से ही आपको इतने सस्ते में ये मिल सकता है, वो तो बिना किसी न्यूज़ बैड न्यूज़ के आपको ऐसा नहीं मिल सकते स्टॉक। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि ये कंपनी रिकवरी ज़रूर दिखाएगी और आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, अगर मैं बात करूं कंपैरिजन करूं बाकी कंपनियों से, तो ये कंपनी BS6 को लेके बहुत ज़्यादा एडवांस है और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी ये कंपनी। तो चलिए पहले देखते हैं इसका ट्रेड कैसा है। तो दोस्तों, मैं NSE की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, तो ट्रेड देख सकते हो। ओपनिंग होती है 80.80, ओपनिंग होती है 83। अगर हाई की बात करूं तो वो होता है 83.40, लो बनाता है 80.80 पे। ट्रेडेड वॉल्यूम आप देख सकते हो 2,83,62,167 शेयर्स जो हैं वो ट्रेड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो वो आप देख सकते हो 13.30% है। अगर मैं बात करूं डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो 37,71,032 शेयर्स जो हैं वो डिलीवरी पे उठाए गए हैं। अगर मैं बात करूं डिलीवरेबल परसेंटेज की, तो वो कुछ खास नहीं है, बट अगर आप देखोगे इस कंपनी को तो वो बहुत ही मस्त है। तो 52 वीक आप लो आप देख सकते हो 56.95 का है, इसने बनाया था 23 अगस्त 2019 को। तो 52 वीक हाई भी आप देख सकते हो, इसने बनाया था 112.65 का 13 नवंबर 2018 को। तो अभी जो न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम न्यूज़ पे आ चुके हैं, तो चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। शेयर्स ऑफ अशोक लेलैंड गेंड ओवर 2% इंट्राडे ऑन नवंबर 27 आफ्टर द कंपनी बैग्ड एन ऑर्डर फॉर 1,750 बसेस फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स। तो दोस्तों, आप देख सकते हो लगभग 2% के आसपास जंप देखने को मिला है नवंबर 27 को, और इनको जो ऑर्डर मिला है वो मिला है लगभग 1,750 बसेस का, वो मिला है तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। दिस ऑर्डर कम्स क्लोजली ऑन द बैक ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द वेरियस स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग रिसेंटली, द कंपनी सेड इन अ फाइलिंग टू एक्सचेंजेस। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कंपनी को तमिलनाडु से तो ऑर्डर मिला ही मिला है, बट इनको और भी स्टेट्स से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और इन्हें और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं जो COO हैं उनका क्या कहना है, तो चलिए वो भी देखते हैं। वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव द कन्फर्मेशन ऑफ दिस ऑर्डर फ्रॉम TUSTU। अवर एबिलिटी टू ब्रिंग वैल्यू कंबाइंड विद अवर सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विल हेल्प अस मेंटेन अवर लीडरशिप पोजिशन इन बसेस इन इंडिया, अनुज खतूरिया इट्स COO सेट। तो दोस्तों, आप देख सकते हो उन्होंने बोला है कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन्हें ये ऑर्डर मिला है और वो चाहते हैं कि वो इस पोजिशन पर बने रहें, उनकी लीडरशिप जो है वो बनी रहे। तो चलिए आगे देखते हैं।
द सीवी मेजर ऑन नवंबर 25 हैज टाइड अप विद आईसीआईसीआई बैंक फॉर द व्हीकल लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स. द कंपनी हैज़ इंक्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद आईसीआईसीआई बैंक टू एंटर इन टू स्ट्रेटेजिक फाइनेंसिंग पार्टनरशिप फॉर 2 ईयर्स. द हिंदुजा ग्रुप फ्लैगशिप सेट इन अ रेगुलेटरी फाइलिंग. तो दोस्तों आप देख सकते हो जो अशोक लेलैंड है उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आईसीआईसीआई बैंक के साथ साइन किया है, और जो फाइनेंस होगा वो आईसीआईसीआई बैंक करेगा अशोक लेलैंड गाड़ियों का. तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है, वो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है. और ये जो न्यूज़ है मेन, ये भी बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, ये आपको डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा. और प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको प्रॉफिट में दिखेगा, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा अगर कंपनी को, तो डेफिनेटली आपको भी फायदा होगा. मैं फिर से बात अपनी पुरानी रिपीट करना चाहूँगा, कंपनी बहुत ही बढ़िया है, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आपको डेफिनेटली ऐसी कंपनी में निवेश ज़रूर करना चाहिए. तो शॉर्ट टर्म का नज़रिए रखते हैं तो और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी रहेगी. तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें.